बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स ऑफ चैप्टर नंबर फिजिक्स फर्स्ट ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फ्लूइड क्या है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्लूइड टाइप्स, इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्हाट इज विस्कासिटी, इसके यूनिट्स, डायमेंशन वगैरह, इसके अलावा स्ट्रोक्स ला, फर्दर एमसीक्यूज ऑन स्ट्रोक्स ला, डिफरेंट केसेस ऑफ स्ट्रोक्स ला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी, इस पर एमसीक्यूज, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, डायमेंशन यूनिट एंड डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, डिफरेंट केसेस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड एमसीक्यूज ऑन टर्मिनल वेलोसिटी, फर्दर व्हाट इज फ्लूइड फ्लो एंड डिफरेंट टाइप्स, टर्बुलेंट ट्रांजिशन एंड लेमिनर फ्लो हमारे पास क्या है, व्हाट इज आइडियल फ्लो, इसके अलावा कंटिन्यूटी इक्वेशन, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, डिफरेंट केसेस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, टॉर्सिलियम थ्योरम, बर्नौलीज़ इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन एंड डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन विद एक्सप्लेनेशन। So this is all about today's lecture. So let's start. So first of all, what is fluid? Okay, fluid kya hai? So any substance which flow is called fluid. Jo kuch bhi hamare paas saath flow karti hai usko hum kehte hai fluid. Hamare paas different states of matter hai. Ek hai hamare paas solid, dusra hamare paas hai liquid aur third hamare paas hai gas. सो सॉलिड को अगर हम देखें तो ये हमारे पास खुद ब खुद मोशन नहीं करती, ये हमारे पास एट द रेट ऑफ एट द स्टेट ऑफ रेस्ट होती है। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं सॉलिड और ये हमारे पास फ्लूइड में नहीं आता। फर्दर लिक्विड एंड गैसेस, सो लिक्विड और गैसेस दोनों जो है दोनों हमारे पास मोशन करती है, फ्लो करती है। लाइक इसको देखें, ये हमारे पास वाटर है, ये मूव करती है। इसके अलावा गैसेस जो है हमारे पास मोशन करती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो इसको हम कहते हैं एनीथिंग विच फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सो फ्लूइड में हमारे पास एक है लिक्विड और दूसरा हमारे पास है गैसेस। अब हमारे पास फ्लो की कितने टाइप्स हैं? सो फ्लूइड फ्लो जो है उसको हमने डिवाइड किया है इनटू टू। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टेटिक एंड द सेकंड वन इज फ्लूइड डायनामिक्स। फर्स्ट में हमारे पास जब फ्लूइड हमारे पास रेस्ट में होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक एंड द सेकंड इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स, जब फ्लूइड हमारे पास मोशन में होता है। सो रिजर्वायर और टैंक्स को अगर हम देख लें तो ये इसमें हमारे पास फ्लूइड जो है रेस्ट में होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स। और जब फ्लूइड हमारे पास मोशन करती है बाय मींस ऑफ पाइप्स, पंप्स, ट्यूब्स वगैरह, तो इसको हम क्या कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स के हमारे पास फर्दर टू टाइप्स है। द फर्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक्स एंड द सेकंड वन इज एरोडायनामिक्स। हाइड्रो मीन वाटर, जब हमारे पास वाटर मोशन कर रही हो तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, और जब हमारे पास गैस या एयर मोशन करती है इसको हम कहते हैं एरोडायनामिक्स। सो द एयर इन मोशन या गैसेस इन मोशन इज कॉल्ड व्हाट एरोडायनामिक्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा है टैंक्स। हाइड्रोस्टेटिक में हमारे पास लिक्विड जो है टैंक्स में होता है, तो मेरा टैंक का मतलब ये है वाटर टैंक जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। ये मेरा ये वाला मतलब बिल्कुल नहीं था। सो याद रखें कि टैंक्स जो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक्स में आती है और फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या करते हैं पाइप्स और पंप्स, ट्यूब्स वगैरह। फर्दर इसके अलावा हमारे पास और टाइप्स भी है जो हमारे पास एफ एस सी लेवल की नहीं है। लाइक जब हमारे पास फ्लो स्टीडी है या अनस्टीडी है, इसके अलावा हमारे पास फ्लो जो है यूनिफॉर्म फ्लो है या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। इसके अलावा लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो आज हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, या हमारे पास एक फ्लो है अगर इस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये कंप्रेस होगी, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। अगर हमारे पास ये कंप्रेस नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। या इसके अलावा अगर हमारे पास फ्लो एक वन डायमेंशन में हो तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशन, टू डायमेंशन में हो तो सेकंड डायमेंशन या टू डायमेंशन, अगर हमारे पास थ्री डायमेंशन में हो तो इसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशन, अगर एक्स वाई जेड में एक ही डायरेक्शन होगी इसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल,
अगर एक्स वाई डबल डायमेंशनल होगी तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल, अगर थ्री डायमेंशनल पे होगी तो उसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल। फर्दर हमारे पास है विस्कासिटी। व्हाट इज विस्कासिटी? सो हमारे पास जब भी फ्लूड फ्लो करती है, ये हमारे पास है फ्लूड है, ये हमारे पास मोशन कर रही है, जब फ्लूड वो करती है तो इस फ्लूड को मोशन में रेजिस्टेंस होती है और इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? विस्कासिटी कहते हैं। अब विस्कासिटी हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी हमें शो करती है विस्कासिटी की, विस्कासिटी हमारे पास कितनी है। सो अगर हमारे पास एक फ्लूड है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसकी विस्कासिटी ज़्यादा है, और अगर विस्कासिटी ज़्यादा है तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की वैल्यू क्या होगी? ये भी हमारे पास ज़्यादा होगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी जो है ये हमारे पास शो करती है किस चीज़ को? विस्कासिटी को। लाइक ये हमारे पास देखे एक फ्लूड है, एक हमारे पास है हनी, दूसरा हमारे पास है वाटर। सो हनी हमारे पास हाई विस्कस है और वाटर हमारे पास लो विस्कस है। सो हनी की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी और वाटर की हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब इस पिक्चर को अगर हम देख ले तो इसमें हनी जो है एक ही टाइम में, इसको अगर हम कहें 20 सेकंड्स टाइम हुआ है तो इसमें हमारे पास वाटर ज़्यादा आए हैं, इन द सेम टाइम हनी जो है इसकी लेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है? इस ग्लास में आई है। तो इसका मतलब है कि वाटर में रेजिस्टेंस कम था, विस्कासिटी वाटर की कम थी, इस वजह से इसको रेजिस्टेंस कम थी, इस वजह से ये ज़्यादा मकदार में इसने फ्लो की है। सो जितनी रेजिस्टेंस कम होती है उतने फ्लो हमारे पास क्या होगी? ईजीली होगी। सो जब हमारे पास ईजी फ्लो होती है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की वैल्यू होती है, और जब हमारे पास हार्ड फ्लो हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। अब वाटर हमारे पास लेस विस्कस है इज़ कम्पेयर टू हनी। इस पिक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वाटर हमारे पास लेस विस्कस है, क्यों? क्योंकि बहुत कम वक्त में इसने ज़्यादा मकदार में फ्लो की है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम है। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी जो है ये हम इसके यूनिट्स वगैरह हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक्स लॉ। सो स्ट्रोक्स लॉ को पढ़ने से पहले ये दो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए कि व्हाट इज ड्रैग फोर्स और इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या है। सो ड्रैग फोर्स हमारे पास एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो हमारे पास काज होती है ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूड। जब हमारे पास एक फ्लूड है, इसको अगर हम देखें हमारे पास एक ह्यूमन है जो रनिंग कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो ये एयर इस केस में हमारे पास फ्लूड है। सो जब फ्लूड में एक ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो ये फ्लूड इस ऑब्जेक्ट पर रेजिस्टेंस शो करता है और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। सो इन फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देख लें तो ये एयर जो है इस ह्यूमन बॉडी पर एक फोर्स फोर्स करता है और इस फोर्स को हम कहते हैं एफडी, यानी व्हाट? यानी ड्रैग फोर्स। इसी तरह अगर हमारे पास एक लिक्विड है और इसमें एक बाल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, सो ये फ्लूड इस बाल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स को हम कहेंगे ड्रैग फोर्स। सो ड्रैग फोर्स का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एक वो फ्लूड में एक बॉडी मूव करती है तो इस पर जो फोर्स होता है, जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इसके अलावा अगर एक फेरा शूटर ऊपर से छलांग लगा रहा है तो उसकी वेट नीचे की तरफ होती है, लेकिन ये एयर में आ रहा है, एयर फ्लूड है, सो इसी वजह से ये एयर उस पर फोर्स करेगी और इस फोर्स को हम कहेंगे एफ डी, यानी ड्रैग फोर्स, और इसके डायरेक्शन वेट के अपोजिट होगा। सो डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स जो है ये हमारे पास बिल्कुल अपोजिट होता है टू द वेलोसिटी। अब स्ट्रोक्स लॉ हमारे पास क्या है? स्ट्रोक्स लॉ हमारे पास रिलेशन है एक ड्रैग फोर्स की, इसकी वेलोसिटी की और इसकी रेडियस की। सो व्हाट इज द ड्रैग स्ट्रोक्स लॉ? सो स्ट्रोक्स लॉ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिलेशन है ऑफ द ड्रैग फोर्स विद द रेडियस एंड वेलोसिटी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रोक्स लॉ वेयर एफ डी इज इक्वल टू 6 pi eta rv। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज शोन दैट ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो अगर इस यहाँ को पर हम देख लें तो ये हमारे पास एक बॉडी है जिसकी हमारे पास रेडियस r है और इसकी वेलोसिटी v है। सो इसकी वेट जो हमारे पास है ये है w इज इक्वल टू mg। सो ये जब भी स्पीड में नीचे की तरफ आएगा तो ये फ्लूड इस पर एक
ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, और ये एफ डी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, ये हमारे पास होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेडियस एंड वी, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट होता है 6 पाई एंड ईटा। सो और ये ईटा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू है जो हमारे पास हर एक फ्लूड के लिए कांस्टेंट होती है। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर फ्लूड। सो इस इक्वेशन में अगर हम देख लें तो हमारे पास ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ डी हमारे पास है ड्रैग फोर्स, आर हमारे पास रेडियस एंड वी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर फार्मूला को हम देख ले तो एफ डी हमारे पास रेडियस को डायरेक्टली पोर्शन है। सो जिस बॉडी की रेडियस ज़्यादा होगी उस पर इतना ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा। लाइक इस फ्लूड में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। सो अगर हम देख ले तो इस बॉडी का रेडियस इससे ज़्यादा है, सो इस ऑब्जेक्ट पर जो ड्रैग फोर्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा इस बॉडी से। सो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस। फर्दर फ्रॉम द फार्मूला इट इज क्लियर दैट एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी वेलोसिटी। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रेक उतना ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। बट एफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्लो स्पीड, यानी स्लो स्पीड से एक बॉडी आ रही है तो जितनी ही इंक्रीज होगी एफ डी इंक्रीज होगी। लेकिन हमारे पास जब बहुत ज़्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट मोशन कर रही होती है तब एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी टू द स्पीड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सो याद रखें कि जब हमारे पास एमसीक्यूज में आया हो कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी को या ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी को, सो ये दोनों को है। अब ये डिपेंड करते हैं कि ये मोशन हमारे पास जो बॉडी की है स्लो है या हमारे पास ये फास्ट है। सो जब बॉडी स्लो मूव करती है तब ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द वेलोसिटी, एंड जब बॉडी फास्ट मोशन करती है तो फिर एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। नाउ इस एमसीक्यूज को देख ले कि इफ द वेलोसिटी इज डबल एंड द बॉडी इज मूविंग विद द स्लो स्पीड द ड्रैग फोर्स बिकम्स, यानी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर लें बॉडी इज मूविंग, याद रखें यहाँ पर हमें गिवन है स्लो स्पीड टू ड्रैग फोर्स पर क्या होगा। सो फार्मूला में हमारे पास गिवन है कि एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यानी एफ डी हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है वेलोसिटी को। सो जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हमारे पास एफ डी क्या होगा, डबल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्दर इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बिकम्स डबल एंड ऑलरेडी इट इज मूविंग विद हाई स्पीड देन द ड्रैग फोर्सेस, सो जब हाई स्पीड पर हो तो एफ डी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सो जब हम वेलोसिटी को डबल कर ले तो ये हमारे पास स्क्वायर टू पर भी होता है, वी पर भी होता है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर v स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा 4 v स्क्वायर। सो हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज होगी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रपल। नाउ फ्रॉम द स्ट्रोक्स लॉ हमारे पास डिफरेंट रेशियो हमसे मांगी जा सकती है। सो वी नो डेट एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रोक्स लॉ। अब अगर हमारे पास फार्मूला में आर और वी हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, दोनों बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ए, अगर हम देख लें ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ए और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट बी। रेडियस सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन हमारे पास फ्लूड डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, रेशियो ऑफ द ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या होगा, एफ डी वन डिवाइड बाई एफ डी टू हमारे पास बराबर होगा ईटा वन डिवाइड बाई ईटा टू। क्यों? क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी हमारे पास सेम है, सो ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ इन सेकेंड केस अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम है ऑब्जेक्ट के, रेडियस भी सेम है लेकिन ये डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 6 पाई ईटा आर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ऑप्शन आएगा द रेशियो विल बी v1 डिवाइड बाई v2। नाउ इन थर्ड केस जब आपको कहा हो कि हमारे पास वेलोसिटी भी और ईटा दोनों कांस्टेंट है लेकिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का रेडियस और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेडियस से डिफरेंट है, अगर इसको हम देख ले तो फ्लूड हमारे पास सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है, रेडियस डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, दिस विल बी द रेशियो एफ डी वन डिवाइड बाई डी टू विल बी आर वन डिवाइड बाई आर टू। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या हो कि आप टू ऑब्जेक्ट की रेशियो पॉइंट कर ले ऑफ द ड्रैग फोर्स ऑफ बॉडी वन टू द टू, तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे 6 पाई ईटा आर वन डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर टू। यहाँ पर हमारे पास टॉप पर हम लिखेंगे बॉडी ए की वैल्यूज और नीचे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू की वैल्यूज, सो 6 पाया
दोनों में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास रेशो इस तरह आएगा। सो अगर आपको वैल्यूज गिवन हो तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे और आपका जो ऑप्शन आएगा वही ऑप्शन सही होगा। नाउ अब स्टोक्स लॉ में हमारे पास जो ईटा है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। ये हमारे पास वैल्यू देती है विस्कासिटी की वैल्यू। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या है, सो अगर यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ईटा आएगा एफ डी डिवाइड बाई आर वी। सिक्स पाई हम नहीं लिखते क्योंकि ये हमारे पास डायमेंशन लेस है, ये हमारे पास नंबर है। सो यहाँ पर अगर हम एफ की यूनिट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एफ का यूनिट न्यूटन है, आर का यूनिट हमारे पास मीटर, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड। सो यह हमारे पास न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। इसको हम अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फर्दर अगर ऐसे में फाइंड करेंगे तो हम एफ का यूनिट जो हमने ऑलरेडी न्यूटन निकाला था उसको रिप्लेस करेंगे बाय किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारे पास फोर्स का यूनिट है। सो अगर ये लिखेंगे और फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो हमारे पास आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो हमारे पास किलोग्राम के बजाय हम लिखेंगे मास, मीटर के बजाय लिखेंगे एल और सेकंड के बजाय हम लिखेंगे टी माइनस वन। सो ये हमारे पास क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। सो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक कॉन्स्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी है। सो ये हमें अगर हम कॉन्सेप्ट पर स्टडी करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट इस तरह होगा कि सपोज हमारे पास एक पायलट है और ये जहाज से जंप लगाता है तो एट द स्टार्ट में हमारे पास ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन जैसे ये नीचे आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और एक वक्त आता है जब इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है मैक्सिमम होती है। सो इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इस मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब स्टार्ट में हमारे पास जब बॉडी मूव करती है तो सारा का सारा फोर्स जो अमल करता है वो हमारे पास होता है एफ जी वेट ऑफ द बॉडी, जो हमारे पास एम जी के बराबर होती है। सो जब बॉडी रेस्ट स्टार्ट में होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। सो वेलोसिटी इसकी जीरो है सो इसका मतलब है कि हमारे पास इस पर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ड्रैग फोर्स हमारे पास वेलोसिटी की वजह से होते हैं। अब कुछ वक्त जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इस पर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा। सो वेट नीचे की तरफ होती है जबकि हमारे पास ड्रैग फोर्स अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन होती है। सो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ होती है और वेट नीचे की तरफ। सो फर्दर जब बॉडी इंक्रीज होती है सो जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ड्रैग फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा होगा। सो जितनी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती है और एक वक्त आता है जब ड्रैग फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास वेट के बराबर हो जाता है और तब हमारे पास बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है और इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आती तो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता। सो ये पॉइंट याद कर ले कि टर्मिनल वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय वीटी। Now to find the equation for terminal velocity. So जब हमारे पास drag force W की बराबर होती है तब हमारे पास जो velocity होती है वो हमारे पास drag force कहलाती है। So FD already हमें मालूम है कि FD is equal to 6 pi eta RV और W हमारे पास बराबर है mg की। इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे पास रिजल्ट में ये इक्वेशन आएगा 6 pi eta RV हमने लिखा FD की बजाय mg हमारे पास आ गया किस चीज़ से, W से। फर्दर ये हमारे पास जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। सो इसको मैं इस साइड पर छोड़ लेता हूँ और बाकी टर्म्स को मैं राइट साइड पर लेता हूँ तो ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन बनेगा टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। अब हमारे पास इस मास की बजाय मैं ये लिख सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये कहाँ से आया है, ऑलरेडी हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास की बजाय मैं लिख सकता हूँ मास इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड टू वॉल्यूम। सो ये हमारे पास हो गया मास इज इक्वल टू रो एंड वी। फर्दर हमें अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट
सर्कुलर हो या राउंड हो तो हमें इसकी वॉल्यूम के बारे में पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। सो यहाँ पर इस इलास्टिक के बजाय अगर मैं लिखूंगा 4/3 πr³ तो हमारे पास आएगा 4/3 πr³ और हमारे पास रो है, तो ये हमारे पास m की वैल्यू हो गई। और इस वैल्यू को नाउ, अब इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में फुट कर लूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह का बनेगा। इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो हमारे पास बनेगा दिस वन। सो ये हमारे पास है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ρgr² / 9η। अब इस फार्मूले को अगर हम देख लें तो इससे क्लियर हो जाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारे पास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस अब बाड़ी की जितनी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। सो अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 4 times इंक्रीज होगा। ये आप लोग याद रखें, क्यों? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। फर्दर हाँ, ये हमारे पास एक पॉइंट है कि हमारे पास आसमान से ड्रॉप्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है। एक ड्रॉप हमारे पास बड़ा है और एक ड्रॉप हमारे पास क्या है, छोटा है। तो अगर हम पर बड़ा ड्रॉप लगेगा तो क्या होगा, हम ज़्यादा हर्ट होंगे। अगर लो ड्रॉप हम पर लगेगा तो हम लेस हर्ट होंगे। इसकी रीज़न क्या है, हम ऑप्शंस में दिया होगा कि इसकी मास ज़्यादा होती है इसलिए हर्ट करते हैं। नो, रीज़न इज मास ज़्यादा है तो मास की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है, टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, हमको हर्ट करते हैं। सो याद रखें, जब भी आप हर्ट होते हैं तो इसकी रीज़न क्या होती है, हाई टर्मिनल वेलोसिटी। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूला में अगर हम देख लें तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितनी मास ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी जो है तो होगी, और जब टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये हर्ट भी ज़्यादा करेगी। सो लार्जर रेन ड्रॉप हैव लार्जर मास, सो इट हैज़ लार्जर टर्मिनल वेलोसिटी, सो इट हर्ट्स मोर देन लाइट रेन ड्रॉप। सो याद रखें कि टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से बड़ा ड्रॉप जो है ज़्यादा हर्ट करता है। नाउ डिफरेंट केसेज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, आपको इस तरह डिफरेंट केसेस का सामना करना पड़ सकता है कि हमारे पास अगर दो ड्रॉप्स है, सपोज हमारे पास टू ड्रॉप्स है जिसकी रेडियस सेम है, तो आप फाइंड कर ले दरे और मास की रेशियो गिवन हो कि मास 1/(mass 2) है, तो आप फाइंड कर ले रेशियो। सो ये हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आएगा। सो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास ये है ng/(6πη)rv, और टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास है 2ρgr² / 9η। सो इस इक्वेशन से आप लोगों ने याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास को, और टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस ऑफ द स्क्वायर को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको ये फार्मूला याद होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल 2ρgr² / 9η, लेकिन इनको ये फार्मूला याद नहीं रहता, जिसकी वजह से इनको ये मुश्किल होती है कि टर्मिनल वेलोसिटी और मास का हमारे पास क्या रिलेशन है। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। इस तरह हमारे पास बॉडी 2 के लिए हमारे पास बराबर होगा m2 का। सो अगर इसको हम v1/v2 कर ले तो हमारे पास आएगा m1/m2। अब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, मास सेम है लेकिन रेडियस सेम है, तो अगर आपसे मांगा हो कि फाइंड रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, सो vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r2। सो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आएगा। अब अगर MCQs को देख लें कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप ए टू ड्रॉप टी, एफ बी हैव डबल द रेडियस ऑफ ए, सेकंड बॉडी का रेडियस जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ वन का डबल है। सो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ ए, और इसको हम डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ बी, और बी का रेडियस हमारे पास क्या है, 2 times ऑफ ए। सो इस पर हमारे पास स्क्वायर है, सो ए इस से आएगा a² / 4a² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/4 या 1:4, दिस इज शॉर्टकट। और ये इस तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ले तो आपके पास ऑप्शन आएगा 1:4। सो इस तरह के MCQs एंट्री टेस्ट में आते हैं, सिंपल है, बस आप लोग एक दफा प्रैक्टिस कर ले फिर इजी होगा। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्लो। सो फ्लो के हमारे पास 2 types है, the first one इज लेमिनर फ्लो एंड द सेकेंड वन इज टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो हमारे पास होगी जब हमारे पास एवरी पार्टिकल जो है एक पॉइंट से पास करता है, और इसके पीछे जो पार्टिकल होता है वो भी इसी
रास्ते पर चलता है तो हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसकी मिसाल होगी जब हमारे पास स्कूल में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास एक ही लाइन में चलते हैं, सो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, इस फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। सो इसी तरह हमारे पास ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये जब सेम डायरेक्शन में सेम ही लाइन में मोशन करती है तो इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। जबकि इसके अपोजिट में हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास होते हैं जब हमारे पास फ्लो क्या होगा, क्रिस क्रॉस फ्लो होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं होगी, सो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लो हमारे पास ना लेमिनर हो और ना टर्बुलेंट हो, यानी ना बिल्कुल सीधी हो ना बिल्कुल हमारे पास मिक्स हो, तो इस फ्लो को हम एक नया नाम देते हैं, वो हमारे पास है ट्रांजिशन फ्लो। सो ट्रांजिशन फ्लो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन फ्लो इज द फ्लो विच इज नाइदर लेमिनर नॉर टर्बुलेंट। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास फ्लो लेमिनर है, ट्रांजिशन है या टर्बुलेंट है? सो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है जो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि फ्लो हमारे पास लेमिनर है या टर्बुलेंट। पिक्चर में तो हम देखते हैं लेकिन फाइंड कैसे करेंगे? सो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमारे पास है आर इज इक्वल टू रू वी डी डिवाइड बाई म्यू। आर ही हमारे पास क्या है, आर ई हमारे पास है रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर, सो इस फार्मूला में अगर हम डेंसिटी, वॉल्यूम, विलास्टी सारी डायमीटर, काइनेमेटिक विस्कासिटी, इसकी वैल्यूज जब हम फुट करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, उस नंबर को हम कहेंगे रेनॉल्ड नंबर। सो अगर वो नंबर हमारे पास रिजल्टेंट में आए, अगर वो नंबर 4000 से ज़्यादा हो तो हमारे पास फ्लो क्या होगी, टर्बुलेंट होगी। अब अगर वो नंबर 2300 से कम हो तो हमारे पास फ्लो लेमिनर होगी। अगर 2300 और 4000 के बीच हो तो वो फ्लो हम क्या होगी, वो फ्लो हमारे साथ ट्रांजिशनल फ्लो होगी। सो जब नंबर हमारे पास क्या हो, रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा हो तो हमारे पास फ्लो टर्बुलेंट होगी, और अगर 2300 से कम हो तो हमारे पास फ्लो लेमिनर होगी, और इसके बीच हो तो हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिशन फ्लो होगी। अब इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, एक फ्लो हमारे पास लेमिनर है, बीच वाला हमारे पास ट्रांजिशनल है, द फर्स्ट वन इज टर्बुलेंट फ्लो। नाउ व्हाट इज आइडियल फ्लो? सो आइडियल फ्लो हमारे आइडियल फ्लो हमारे पास वो होगा जो हमारे पास विस्कस नहीं होगा बिल्कुल, मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। सो जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास आइडियल फ्लूड होगा। फर्दर जब फ्लूड में हमारे पास खाली जगह नहीं होती, एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, मतलब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, तो ये हमारे पास है आइडियल। और जब फ्लो हमारे पास लेमिनर हो उस फ्लूड को हम कहेंगे आइडियल फ्लूड। सो आइडियल फ्लूड की हमारे पास 3 क्वांटिटीज है, हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास फ्लो लेमिनर होगी, ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होगा, और ये हमारे पास नॉन विस्कस होगा। सो ये हमारे पास अगर हम देखें पिक्चर नंबर 2 में, हमारे पास 2 ग्लासेस है, एक पर हमने प्रेशर अप्लाई किया तो इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और सेकंड की वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुई, मतलब दिस वन वाज इनकम्प्रेसिबल एंड दिस वन इज कंप्रेसिबल। सो कंप्रेसिबल जब हमारे पास फ्लूड होता है तो ये हमारे पास नॉन आइडियल है, जबकि आइडियल गैस हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होता है। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, यानी ये हमारे पास बेस है कि हम मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो मास फ्लो इन इनटू द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू मास फ्लो आउट। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब है कि सपोज हमारे पास एक पाइप है, सो जितना इसके अंदर मास जाता है उतना ही मास निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीचों बीच जो रास्ता ये मूव करता है, ये जो रास्ता ये खोर करता है, इसके इसके दौरान ना ही ये मास ज़ाया होती है और ना हम लोग मास ऐड करते हैं, इसकी वजह से जो मास एंटर होती है वही लीव करेंगे, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो अगर ये हम फर्स्ट पॉइंट ले 0.1 और ये हमारे पास होगा 0.2, सो अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 0.1 पर हमारे पास मास किस चीज़ के बराबर है, रो वी वन के। ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये हमारे पास आया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। फर्दर अगर हमारे पास एक पाइप हो, इसकी एरिया हमारे पास ए हो, अगर इसके डिस्टेंस हम एक्स डिस्टेंस ले लें
और इसको अगर हम एरिया और इस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या देती है, वॉल्यूम देती है। सो वॉल्यूम हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई एक्स या ए मल्टीप्लाई बाई एस। सो यहाँ पर अगर हम पुट कर लें मास इज इक्वल टू रो ए एक्स, वॉल्यूम की बजाय मैंने लिखा वी ए एक्स। फर्दर अगर हम ये एक्स हमारे पास क्या है, दिस इज द डिस्टेंस। सो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। सो हम एस को इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। सो यहाँ पर एस के बजाय मैंने लिख लिया वी टू। सो ये हमारे पास फार्मूला आ गया कि जितना मास एन होता है वो हमारे पास बराबर है रो ए वन वी वन इन टू टी। अब जितना लीव करेगा वो हमारे पास बराबर होगा रो ए टू वी टू इन टू टी। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक जितना मास एन होता है वो हमारे पास बराबर होता है मास टू को। सो डेंसिटी और डेंसिटी बोथ साइड कैंसिल होगी और टाइम भी हमारे पास टाइम से कैंसिल होगा। सो हमारे पास बनेगा कि एरिया एंड टू वेलोसिटी ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी ए वी इज द वॉल्यूम फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक ए वी जो है हमारे पास इसकी प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, यानी एरिया जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी को। इसका मतलब है अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब अगर एरिया हमारे पास कम होगी तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जांपल हमारे पास ये कि एक पाइप से फ्लूड आ रहा है, तो अगर इस एरिया को हम कम कर ले इस तरह तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेलोसिटी। सो जितनी हम एरिया को कम करते हैं उतनी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसी का प्रिंसिपल हमारे पास ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जब हमारे पास एक पाइप से फ्लो आ रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ। अब अगर हमें ज़्यादा वेलोसिटी दरकार होती है, हम चाहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर आप देख लें तो एरिया को हमने डिक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब हमें स्लो वेलोसिटी दरकार होती है तो हम स्लो वेलोसिटी के लिए, मिनिमम वेलोसिटी के लिए एरिया को क्या करते हैं, एरिया को मैक्सिमम या इंक्रीज करते हैं। सो जब एरिया हमारे पास ज़्यादा होगी वेलोसिटी कम होगी, आप इस तरह देख सकते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें बताता है कि एरिया इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेलोसिटी। इसमें अगर एक को कम करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद ज़्यादा होगा। सो जब हमें हाई वेलोसिटी दरकार होती है, इफ़ वी नीड हाई वेलोसिटी देन वी यूज नोजल। नोजल हमारे पास क्या करता है, नोजल हमारे पास एरिया को कम करता है। सो अगर हमारे पास नोजल है तो ये हमारे पास क्या होता है, नोजल के इनलेट पर एरिया ज़्यादा होती है जबकि आउटलेट पर एरिया कम होती है, जिसकी वजह से आउटलेट पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है और इनलेट पर वेलोसिटी कम होती है। इसी तरह डिफ्यूज़र हमारे पास क्या करता है, हमारे पास वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि डिफ्यूज़र की एरिया ज़्यादा होती है। अब एप्लीकेशन ये कि जब हम पौधों को पानी देते हैं या हमारे हाथ में पाइप होता है तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, हम अपना उंगली जो है हम पाइप के सामने रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर पाइप है इसके सामने हम अपनी उंगली रखें तो इसकी वजह से एरिया जो होती है फ्लूड फ्लो के लिए वो कम होती है, और जब एरिया कम हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है और पानी बहुत ज़्यादा तेज़ चला जाता है। अगर हम पिक्चर वन को देखें तो पिक्चर वन में हमारे पास जो एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ पिक्चर टू। सो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, सो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर एरिया कम है सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ अगर आपको कहा गया हो कि हमारे पास टू बॉडी है, सॉरी अगर फाइंड करना है आपको, हमारे पास एक पाइप है जिसका ए वन वी वन था स्टार्ट पर और आउटलेट पर हमारे पास एरिया ए टू और वी टू होता है। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमारे पास फोर टर्म्स हैं, था टू टर्म्स आर एरिया एंड टू टर्म्स आर वेलोसिटी। सो अगर हमें
थ्री टर्म्स गिवन हो, सपोज हमें ये थ्री टर्म्स गिवन है, तो हम दिस फोर्थ वन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन के प्रॉब्लम्स में हमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में तीन चीज़ें गिवन होंगी और फोर्थ वन हम क्या करेंगे, फोर्थ वन हम फाइंड करेंगे। अब समटाइम्स ट्रिक के लिए लोग क्या करते हैं, पेपर में एरिया के बजाय हमें डायरेक्टली देते हैं कि रेडियस ऑफ पाइप हमारे पास क्या है। यहाँ पर आप क्या को दिया होगा कि इनलेट पर हमें रेडियस दिया होगा इंस्टीड ऑफ एरिया। तो जब रेडियस गिवन हो तो सिंपली ये फार्मूला याद कर ले कि पर पाइप एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस से आप लोग इजीली जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगा, इस इक्वेशन में एरिया के बजाय लेके पाई आर वन स्क्वायर, पाई पाई दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बनेगा आर वन स्क्वायर वी वन इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर वी टू। सो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी तरह अगर इनलेट या आउटलेट पर रेडियस के बजाय डायमीटर गिवन हो, सो एरिया के बजाय हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि एरिया हमारे पास बराबर है पाई आर स्क्वायर की, लेकिन रेडियस हमारे पास बराबर है डी बाई टू का, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हमारे पास बनेगा फाई डी स्क्वायर बाई फोर। सो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला हो गया और हम लोग यही यूज़ करेंगे। सो अगर इस इक्वेशन में रेडियस का फार्मूला हमारे पास ये था, रेडियस की वजह हम लिखे डी बाई टू, सो हमारे पास ये बनेगा, ये फोर फोर दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा डी वन स्क्वायर वी वन इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर वी टू। और ये हमारे पास अनदर फॉर्म है किस चीज़ का, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है कंटिन्यूटी इक्वेशन का। सो ये हमारे पास तीन इक्वेशन हो गए, ए वन ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके अलावा आर स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तीनों हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब थर्ड कैसी है कि रेट ऑफ फ्लो, ये ए वी जो है ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो है, यानी जितना वॉल्यूम जा रहा है कितने टाइम में, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं क्यू डॉट। क्यू डॉट हमारे पास क्या है, कितनी वॉल्यूम जा रही है कितने टाइम है, और ये हमारे पास बराबर है ए वी के बराबर है। केस नंबर फोर, ये हमारे पास इस तरह भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा एम बाई टी इज इक्वल टू डेंसिटी वी बाई टी। इस इक्वेशन को भी इस तरह भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम अगर इस तरह लिखे कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, तो इसको अगर हम दोनों को साइड पर डिवाइड कर ले तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम बाई टी। सो अगर आपको कहे कि आप फाइंड कर लें रेट ऑफ फ्लो की, कितना किलोग्राम पर सेकंड जा रहा है मास फ्लो, अगर आपको कहा हो तो आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ करना है, एम बाई टी अगर आपको फाइंड करना हो तो यही इक्वेशन यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास डेंसिटी है ये वी वॉल्यूम एन टी हमारे पास क्या है टाइम है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टॉर्सिलियम थ्योरम, टॉर्सिली थ्योरम। सो टॉर्सिली थ्योरम को हम टॉर्सिली रा, टॉर्सिली प्रिंसिपल या सम टाइम टॉर्सिली इक्वेशन भी कहते हैं। टॉर्सिली इक्वेशन हमारे पास क्या है, टॉर्सिली इक्वेशन हमारे पास टेंस के लिए यूज होता है, जहाँ पर हमारे पास फ्लूड हमारे पास स्टेटिक्स में होता है, इसकी एक खास हाइट होती है और इस हाइट की वजह से ये फ्लूड जो है एक होल से बाहर की तरफ निकलता है। सो इस क्यू इलास्टिक के लिए जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं टॉर्सिलियम थ्योरम। अगर इस इक्वेशन को हम फाइंड कर ले तो ये हमारे पास बराबर है v इज इक्वल टू टी जी टू जी एच। याद रखें कि ये इलास्टिक हमारे पास इस चीज़ के बराबर है जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एयर में ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और इसकी जो फाइनल इलास्टिक है इसके लिए भी ये सेम इक्वेशन यूज होता है। अगर हम रिमाइंड कर लें तो सपोज अगर लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है वी एफ है, और इसने एच डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें पता है कि टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच या वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। सो अगर हम दोनों साइड पर अंडर रूट ले रहे तो हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। सो टॉर्सिलियम थ्योरम में जो फार्मूला है इलास्टिक का, ये हमारे पास बराबर है एक बॉडी के जो हमारे पास अंडर द ग्रेविटी मोशन करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
नाउ ये वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अंडर रूट ऑफ द हाइट, यानी हाइट ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर हाइट कम है तो वेलोसिटी कम है। सो अगर इस टैंक को अगर हम देख लें तो ये जितना ज़्यादा होगा इसकी इससे वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर एक बात करते हैं कि हमारे पास सपोज तीन टैंक्स है, ये हमारे पास टैंक ए हो गया, या सपोज टू टैंक्स है, एक लेस फिल है एक ज़्यादा फिल है हमारे पास, तो इससे जो वेलोसिटी फ्लूड निकलेगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अंडर रूट ऑफ एच। ये बर्नौली इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे।